आरजे शो में आप हैं अशोक हमराही के साथ। आज हम याद कर रहे हैं अभिनेत्री नूतन को और सुन रहे हैं नूतन की फिल्मों के गाने। नूतन ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया, शबाब फिल्म हो, हम लोग फिल्म हो, हीर हो या बारिश, आगे की जो फिल्में हैं पेइंग गेस्ट और बाद की जो फिल्में हैं सौदागर जैसी फिल्में, इन सभी फिल्मों में जो उनका अभिनय था वो एक मिसाल बन गया और उनकी हर फिल्म को, फिल्मों के हर गानों को हमने पसंद किया। जैसे कि एक ये गाना सुनिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मशहूर भी रहा है और इस गाने को आप सुनेंगे हमें लगता है कि ये दिल कहीं ना कहीं खो जरूर जाएगा। शोभना सुमित की बेटी वो जरूर थी लेकिन फिल्मों में जगह बनाने के लिए उन्हें संघर्ष भी करना पड़ा। बहुत ही कड़ा संघर्ष किया उन्होंने लेकिन अपनी सादगी के साथ, शानदार अभिनय के साथ उन्होंने वो मिसाल कायम की कि उन्हें हर किसी ने पसंद किया। एक के बाद एक उनकी फिल्में आई और हर फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। हम याद कर रहे हैं अभिनेत्री नूतन को, सुनिए ये गीत। चांद फिर निकला मगर तुम ना आए। अपने सौम्य और सशक्त अभिनय से हर किसी का दिल जीत लेने वाली अभिनेत्री नूतन। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिल रुबा तेरे सामने मेरा। अशोक हमराही के साथ आज हम याद कर रहे हैं अभिनेत्री नूतन को। नूतन का अभिनय एक सजीव अभिनय ऐसा लगता था जैसे कि जो पात्र है वो पात्र साक्षात हो गया हो और इसीलिए तो हम आप जब वो फिल्में देखते हैं तो बिल्कुल उनसे जुड़ जाते, ऐसा लगता है कि वो करेक्टर, वो चरित्र हमारे बीच का ही चरित्र है और इसीलिए हम उन फिल्मों को बहुत बहुत पसंद करते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं एक और बेमिसाल गाना। अभिनेत्री नूतन के बारे में हम आपको याद दिला दें कि उन्होंने सीमा, सुजाता, बंदिनी, मिलन, मैं तुलसी तेरे आंगन की इन फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया और इन फिल्मों का अगर आपने देखा होगा तो सचमुच जितना सहज अभिनय किया है नूतन ने शायद ही कोई दूसरा कर पाता। जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सितारे, तू आँखियों से जाने जिकी बत्तियां, तुझसे मिलना ही जुल्म भयारे। नूतन ने जितनी भी फिल्में की हर फिल्मों में हट करके उनको किरदार मिला और जो भी किरदार उन्हें मिला उस किरदार को सजीव किया उन्होंने पर्दे पर। सपनों में अगर मेरे तुम तो सो जाओ। मेरी जंग फिल्म आई थी उसमें भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। बड़ी ही सादगी जैसा उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे कि बड़ी ही शांत, बड़ी ही सौम्य उनका रूप, बड़ा ही शीतलता प्रदान करने वाला और ऐसा ही अभिनय उनका जो दिल को तसल्ली देने वाला था। आइए अब आपको सुनाते हैं एक और बेमिसाल गाना। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए
जिससे हमारा आपका साथ हमेशा बना रहे। धन्यवाद।